मैम एक्सपेक्टेशन तो यही है कि धार्मिक मूवी है और इसीलिए बिटिया को भी लेके आए कि अपना कल्चर, अपना हिंदू कल्चर, मतलब प्राउड टू बी अ हिंदू करके अपना जो कल्चर है अपने बच्चों को सिखाएं। ज़्यादा बढ़िया नहीं, मतलब जैसा नहीं, जैसा पढ़ा था वैसा नहीं क्या? बहुत अच्छी मूवी है, 3D इफेक्ट काफ़ी अच्छे हैं बहुत ही, मतलब पहले की अच्छी थी, इसमें मतलब बहुत पर्यटन इसमें कि जो बड़े लोग हैं तो उन्हें थोड़ा जो डायलॉग है तो वो अच्छे नहीं लगे होंगे, बट हमें ठीक लगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ वैशाली। अभी जैसे कि आजकल एक मूवी आई है आदि पुरुष, जिसमें राम जी सीता जी की जो पूरा जो रामायण है उसको उसमें दिखाया गया है। तो आज हम आए हैं हल्द्वानी के एक सिनेमा हॉल में, जहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे। हालांकि आपको बता दूँ जो आदि पुरुष मूवी है काफ़ी नेगेटिव जो कॉमेंट्स हैं, काफ़ी नेगेटिव कॉमेंट्स भी आ रहे हैं। देखते हैं लोग क्या कहते हैं, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। हालाँकि रिव्यूज़ हम लोगों से ही सीधे जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस मूवी के लिए, इनसे बात करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, नमस्कार। आपका नाम? मेरा नीलम। क्या कहेंगे, कैसी लगी मूवी? सही है, आज की जनरेशन के हिसाब से सही लगी, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। तो जो लॉकडाउन में हमने मूवी देखी थी, क्या चेंजेस लगे? मतलब लॉकडाउन में हमने रामायण देखी थी। जी जी जी। उससे और इसमें क्या अंतर है, क्या कहेंगे? काफ़ी डिफरेंट अंतर है। वैसे क्या कहते हैं, पुरानी जो कल्चर के हिसाब से आज के हिसाब से थोड़ा अंतर है, काफ़ी अंतर है। हेलो, हाय। हाय, आपका नाम? मानव गोयल। कैसी लगी आदि पुरुष मूवी आपको? बहुत अच्छी लगी। हाँ, क्या क्या कहेंगे, क्या कुछ ऐसा इंसिडेंट बताओ जो आपको सबसे बेस्ट लगा उस मूवी में? उस मूवी में जब रावण मरा तब। जब रावण मरा तब? हाँ। और उसके बाद जब हनुमान जी ने आग लगाई थी तब? कम लगा था। हाँ। और एक और चीज़ बता दो कोई सी। जब राम जी को सीता जी मिली तब बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नितिन गोयल। क्या कहेंगे, कैसी लगी मूवी इसके बारे में? मूवी ओवरऑल ठीक है, बच्चों के लिए थोड़ा सा एनिमेटेड भी कार्टून्स टाइप का है, तो बच्चों का भी मन लग गया और कुछ आध्यात्मिक नॉलेज भी होगी बच्चों को। माना जा रहा है कि मूवी काफ़ी नेगेटिव है, ऐसा कॉमेंट्स, काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं इस मूवी के लिए, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ऐसा तो कोई विशेष नेगेटिव नहीं है और बाकी ठीक है, थोड़ा कॉमेडी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आदमी आता है। बिल्कुल ही आध्यात्मिक देखने तो कोई नहीं आया है, थोड़ा बहुत तो चलता है। तो जैसे कि लॉकडाउन में जो हम सब ने देखी थी जो रामायण, मैंने देखी नहीं थी, ये वाली देखी थी, तो ये वाली बढ़िया है, सही लगी, अच्छी लगी। मूवी देख के आए होंगे आप आदि पुरुष? जी जी। कैसे लगी, क्या रिव्यू? अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। तो लॉकडाउन में देखी थी, कैसा लगा? चेंज क्या, नेगेटिव है क्या? नहीं, काफ़ी अच्छी थी बस। नमस्कार मैम। मैम नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम भुवनेश्वरी। आदि पुरुष देख के आई होंगे आप, कैसी लगी मूवी? बहुत ही प्यारी लगी, मैं भगवान के भगत हैं। क्या कहेंगे इस मूवी की? मैं इस मूवी को मैं एक भगवान का दर्शन दूंगी, एक रामायण का दर्शन। किसके साथ आए आप? हम फैमिली सहित आए हुए हैं। पूरी फैमिली के साथ आए हैं। फैमिली को कैसी लगी मूवी, क्या कहेंगे? फैमिली भी खुश है मेरी, हम महाभारत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं। ठीक है बेटी, चलेगी। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। आपका नाम? कैसी लगी मूवी, क्या कहेंगे? ज़्यादा बढ़िया नहीं, मतलब जैसा नहीं, जैसा पढ़ा था वैसा नहीं। क्या 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 अलग, ऐसे एनिमेटेड जैसी लग रही थी वो। हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? अखिल। मूवी देख के आए हैं आप लोग आदि पुरुष, क्या कहेंगे आप सर? बहुत अच्छी मूवी है, 3D इफेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। और क्या सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी आपको? बेस्ट चीज़ मतलब जो आज की टेक्नोलॉजी में दिखाई गई है मूवी में, वो काफ़ी अच्छी है। अच्छा, कुछ लोगों को इसमें काफ़ी कमेंट्स जो हैं वो पसंद नहीं आ रहे हैं, क्या नेगेटिव रिव्यूज़ इस मूवी के लिए काफ़ी आ रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैम कुछ पार्ट पे है, कहीं कहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई है जो मतलब जैसे नहीं दिखानी चाहिए थी, जैसे कहीं कहीं पर हनुमान जी के डायलॉग कुछ ऐसे में। इनसे बात करेंगे और इनको तो डेफिनेटली काफ़ी कुछ चीज़ें होंगी जो उनको पता ही होंगी, जो काफ़ी जैसे नेगेटिव कमेंट्स वगैरह इस मूवी के हिसाब से आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे, पक्का इनको बताऊंगी। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? शीला देवी। क्या कहेंगे, मूवी देखी है आपने? तो जैसे कि लॉकडाउन में सबने जो है रामायण देखा था, पूरा देखा था, फैमिली इकट्ठी हो होके सब देखती थी, क्योंकि और कोई ऑप्शन था भी नहीं बाहर जाने का, रामायण आ रही थी। उससे और इसमें क्या कुछ अंतर लगा? बहुत अंतर लगा, जैसे बहुत ही, मतलब पहले की अच्छी थी, इसमें मतलब बहुत पर्यटन इसमें बहुत वो था। अच्छा, क्या कहेंगे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी इसमें?
सबसे टीचर बताऊँ मैं और तो आप मतलब कैसे दोनों को डिस्क्राइब कर सकती हैं, यंगस्टर्स जो आजकल यूथ है, जो आजकल युवा हैं, उनके लिए क्या कहेंगे इस मूवी के? बहुत अच्छी है उनके लिए। चलिए ठीक है, इनसे बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? स्वाति। आप क्या कहेंगी मूवी के लिए? अच्छी मूवी है, मुझे रामायण वैसे ही पसंद है, तो मुझे अच्छी लगी कि आजकल की जनरेशन भी जानेगी कि क्या। नेगेटिव कमेंट्स काफ़ी अभी देखने को मिल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बॉयकॉट करेंगे मूवी, इसके बावजूद आप लोग, क्योंकि सोशल मीडिया आप डेफिनेटली यूज़ करते होंगे, सभी यूज़ करते हैं, तो उसके बावजूद देखा जाता है कि बॉयकॉट मूवी ये भी आ रहा है, नेगेटिव कमेंट्स काफ़ी आ रहे हैं, इसके बावजूद आप मूवी देखने के लिए आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मुझे तो नहीं लगा, बट ये कि जो बड़े लोग हैं तो उन्हें थोड़ा जो डायलॉग है तो वो अच्छे नहीं लगे, बट हमें ठीक लगे। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी मूवी में? पूरी मूवी ठीक है, सही है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? हरीश सती। जैसे कि आप आदि पुरुष देखने आए हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशंस आप आदि पुरुष से रखते हैं? अच्छी होगी पिक्चर, हालांकि इस वक्त जो है, हाँ राम जी के तो राम की है, लेकिन हालांकि इस वक्त काफ़ी जैसे कि सुनने में आया है कि ये नहीं है अच्छी, काफ़ी डायलॉग्स जो हैं वो लोगों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो नहीं उतर पाई है, तो फिर भी आप देखने के लिए आए हैं, तो क्या आप कहना? तो अभी हमने देखी नहीं है, ये है हम तो बस अपने। नमस्कार, आपका नाम? अर्चना सती। हम तो बस अपने जो हमारे पूर्वजों ने हमें रामायण दिखाई थी उसके अकॉर्डिंग इसको देखने आए हैं, और जो हमने पुरानी रामायण देखी थी और इस रामायण में क्या अंतर है वो तो देख के पता चलेगा। अच्छा। बट एक्सपेक्टेशन काफ़ी है कि इसमें हमारे जो भी संस्कार हैं उनको दिखाए गए होंगे, बस और क्या कर सकते हैं। नेगेटिव काफ़ी इसके बारे में बहुत रिव्यूज़ आ रहे हैं, उसके बावजूद आप मूवी देखने आए हैं, हमने तो रिव्यूज़ देखे ही नहीं है, हम थोड़ा बिजी लाइफ रहती है, एक संडे रहता है तो उसमें हम मूवी आके देख लेते हैं, रिव्यूज़ हमने पढ़े नहीं इसके। हाय। हेलो, आपका नाम? अनुश्रेया। मूवी देखने के लिए आए हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या सोच रहे हैं? एक्सपेक्टेशंस तो बहुत है। अच्छा, सोशल मीडिया तो यूज़ करती होंगी आप? ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मतलब प्रीवियस नेगेटिव कमेंट्स काफ़ी आ रहे हैं। नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, फैमिली के साथ आई है, क्या सोच रहे हैं? क्योंकि जैसे यूट्यूब होता है कि पेरेंट्स इतना सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते हैं, जो आजकल यंगस्टर्स हैं वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, तो डेफिनेटली आप तो होंगे और नेगेटिव कमेंट्स आपने देखे होंगे, तो उसके बाद आप मूवी देखने आए हैं, क्या कहेंगे? एक्सपेक्टेशंस बहुत है एक्चुअली, क्योंकि वो हमारे राम जी के बारे में बनी है। लॉकडाउन में आपने मूवी वो एक वो देखी होगी रामायण, तो आप उससे थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे क्या इससे? उसी से एक्सपेक्टेशंस लेके देखने आया। अच्छा, उससे एक्सपेक्टेशंस लेके। हाँ। नमस्कार मैम। हाय। हेलो, आपका नाम? मिसेस पूजा वालदिया। तो मूवी आप देखने आई हैं आदि पुरुष, क्या एक्सपेक्टेशंस आप इस मूवी से रखती हैं? मैम, एक्सपेक्टेशन तो यही है कि धार्मिक मूवी है, और इसीलिए बिटिया को भी लेके आई, अपना कल्चर, अपना हिंदू कल्चर, मतलब प्राउड टू बी अ हिंदू करके अपना जो कल्चर है अपने बच्चों को सिखाएं, कई क्योंकि आजकल बच्चे कुछ स्कूल में ऐसा पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए मैं लेके आई कि शायद बच्चों को कुछ नॉलेज मिले, जितना हम सिखा सकते हैं उतना सिखाते हैं, लेकिन एटलीस्ट ऐसा होता है कि बड़े पर्दे पर बच्चे जो चीज़ देख रहे हैं, जो विजुअली देख रहे हैं, उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर। दैट्स वाई वी आर कमिंग, बट अभी तक मैंने जितना सुना है तो मतलब सुनने में तो अच्छा नहीं आया है आदि पुरुष के बारे में। एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही नहीं था कि नेगेटिव कमेंट्स काफ़ी आ रहे हैं, वही मैं चाह रही थी कि मतलब मैंने जो अभी तक जो मतलब जितने मैं रिव्यू मैंने देखे हैं, जितना नेट पे इसके बारे में आ रहा है, तो अच्छा तो नहीं आ रहा है कि डायलॉग जो डिलीवरी है वो बहुत अच्छी है, जो डायलॉग की लैंग्वेज है वो काफ़ी बैडली है, क्योंकि ऐसा होता है कि एक रिक्शे वाला और एक टीचर और एक सबकी लैंग्वेज में डिफरेंस है, लेकिन इस मूवी के बारे में कहा गया कि सबकी लैंग्वेज एक ही फ्लो में आ रही है, एक ही टाइप की लैंग्वेज है, तो वही मैं देखने आई हूँ कि क्या है, लेकिन अभी तो मैं अच्छा सोच के आई हूँ, अब पता नहीं मूवी देखने के बाद क्या होगा, लेकिन लेट्स सी, देखते हैं फिर। अच्छा, लॉकडाउन में सबने रामायण देखी है बैठ के, सब परिवार सहित उन्होंने सबने रामायण देखी है, क्या लग रहा है इससे कुछ डिफरेंट होगा इसमें? नहीं मैम, अब वो तो देखिए कि मूवी मेकर्स उन लोगों ने मतलब क्या बनाया है, कैसे बनाया है, अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं श्री राम जी के बारे में, एक अलग ही थॉट्स है कि हाँ कि मतलब एक ऐसी छवि, एक महापुरुष की ऐसी छवि हमारे मतलब दिमाग में ऐसी बैठी हुई, क्योंकि हमने तो स्टार्टिंग में, मैंने तो स्टार्टिंग में शिशु मंदिर में पढ़ा है फिफ्थ तक, तो मैं तो काफ़ी महाभारत रामायण मुझे पूरी पता है, लेकिन यह है कि बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, बच्चे वो सब कुछ नहीं जा रहे हैं, मैं वो लेके आ रही हूँ, लेकिन रिव्यू में जितना देख पा रही हूँ वो मुझे अच्छे नहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या है कहानी मतलब। आज हम आए थे हल्द्वानी के एक सिनेमा घर में ये जानने कि आखिरकार लोग आदि पुरुष जो अभी मूवी रिलीज हुई है 3 दिन पहले, उसको लोग क्या रिव्यूज़ देते हैं। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस थी हल्द्वानी की, उनको जो आदि पुरुष मूवी है वो काफ़ी पसंद आई है, लोगों ने इस चीज़ के लिए काफ़ी पॉजिटिव जो रिव्यूज़ हैं वो दिए हैं, लेकिन जैसे कि हमने आज तक सोशल मीडिया पर ये देखा था कि आदि पुरुष को जैसे मूवी को लेकर जैसे लोग ट्रेंड कर रहे थे कि इस मूवी को बॉयकॉट करना चाहिए, ऐसा सीन हल्द्वानी में देखने को नहीं मिला, लोग आदि पुरुष मूवी से
लोगों को जो एक्सपेक्टेशंस थी आदि पुरुष मूवी, उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर हल्द्वानी में खड़ी उतरी है। लोगों का जो मोस्ट ऑफ द रिव्यूज़ है आदि पुरुष मूवी को लेके वो काफ़ी पॉजिटिव आए हैं और हल्द्वानी के लोग उस मूवी से काफ़ी खुश हैं और उनका ये कहना है कि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा एनिमेटेड है। तो वहीं कुछ लोगों ने बोला कि इसमें जो डायलॉग्स हैं वो काफ़ी जो है नॉर्मल रामायण से काफ़ी अलग है, जिस पे उनको वो लैंग्वेज वाली चीज़ जो है वो काफ़ी पसंद नहीं आई। तो इस खास कवरेज में बस इतना ही। मैं बरखा अपनी सहयोगी वैशाली के साथ, जे जे एन न्यूज़, नमस्कार।